नमस्कार दोस्तों, आज हम गिलोय के औषधीय गुण और ढेर सारे फायदे और कुछ नुकसान भी इसके हम जानेंगे। दोस्तों, गिलोय एक प्रकार की बेल है जो आमतौर पर जंगलों झाड़ियों में पाई जाती है। प्राचीन काल से ही गिलोय को एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अभी भी अधिकांश लोग गिलोय की पहचान ठीक से नहीं कर पाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिलोय की पहचान करना बहुत आसान है। इसकी पत्तियों का आकार पान के पत्तों के जैसा होता है और इनका रंग गाढ़ा हरा होता है। आप गिलोय को सजावटी पौधे के रूप में भी अपने घरों में लगा सकते हैं। दोस्तों, गिलोय की गुड़ची, अमृता आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसे आपके इलाके में किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुणों को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय की बेल की औषधि के लिहाज से सर्वोत्तम माना जाता है। इसे नीम गिलोय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, गिलोय की पत्तियां, जड़ें और तना तीनों ही भाग सेहत के लिए बहुत गुणकारी हैं, लेकिन बीमारियों के इलाज में सबसे ज़्यादा उपयोग गिलोय के तने या डंठल का ही होता है। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, साथ ही इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से यह बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज, कब्ज, एसिडिटी, अपच, मूत्र संबंधी रोगों आदि से आराम दिलाती है। बहुत कम औषधियाँ ऐसी होती हैं जो वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करती हैं। गिलोय उनमें से एक है। गिलोय का मुख्य प्रभाव टॉक्सिन अर्थात विषैले हानिकारक पदार्थ पर पड़ता है और ये हानिकारक टॉक्सिन से जुड़े रोगों को ठीक करने में असरदार भूमिका निभाती है। दोस्तों, आज के समय में अधिकांश लोगों को गिलोय के फायदे तो पता हैं, लेकिन उन्हें गिलोय की सेवन विधि नहीं पता होती है। आमतौर पर गिलोय का सेवन आप इन तीन रूपों में कर सकते हैं, गिलोय सत्व, गिलोय जूस या गिलोय स्वरस और गिलोय चूर्ण। आजकल बाजार में गिलोय सत्व और गिलोय जूस आसानी से उपलब्ध भी है। दोस्तों, गिलोय डायबिटीज, कब्ज और पीलिया समेत कई गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोगी है। गिलोय या गुड़ुची के गुड़ों के कारण ही आयुर्वेद में इसका नाम अमृता रखा गया है, जिसका मतलब है कि यह औषधि बिल्कुल अमृत के समान है। आयुर्वेद के अनुसार पाचन संबंधी रोगों के अलावा गिलोय सांस संबंधी रोगों जैसे कि अस्थमा और खांसी से भी आराम दिलाने में काफ़ी फायदेमंद है। इस वीडियो में हम आपको गिलोय के फायदे के बारे में विस्तार से बताएंगे। उसके पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। डायबिटीज में गिलोय जूस ब्लड शुगर के बढ़े स्तर को कम करती है, इंसुलिन का स्राव बढ़ाती है और इंसुलिन रेजिडेंस को कम करती है। इस तरह यह डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत उपयोगी औषधि है। इसके सेवन करने का तरीका है, डायबिटीज के लिए आप दो तरह से गिलोय का सेवन कर सकते हैं, एक तो गिलोय जूस या गिलोय चूर्ण। गिलोय जूस है तो 2 से 3 चम्मच अर्थात 10 से 15 ml को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। अगर चूर्ण है तो इसका आधा चम्मच गिलोय चूर्ण को पानी के साथ दिन में 2 बार खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद लें। दोस्तों, डेंगू के दौरान मरीज को तेज बुखार होने लगते हैं। गिलोय में मौजूद एंटीपायरेटिक गुण बुखार को जल्दी ठीक करते हैं, साथ ही यह इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है, जिससे डेंगू से जल्दी आराम मिलता है। इसमें सेवन का विधि है, डेंगू होने पर 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार खाना खाने से 1-1.5 घंटे पहले लें। इससे डेंगू से जल्दी आराम मिलता है। अपच में गिलोय का काढ़ा पेट की कई बीमारियों को दूर रखता है, इसलिए कब्ज और अपच से छुटकारा पाने के लिए गिलोय का रोजाना सेवन करें। इसमें 0.5 से 1 चम्मच गिलोय चूर्ण को गर्म पानी के साथ रात में सोने से पहले लें। इसके नियमित सेवन से कब्ज, अपच और एसिडिटी आदि पेट से जुड़ी समस्याओं से जल्दी आराम मिलता है।
दोस्तों, अगर कई दिनों से आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो गिलोय का सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। गिलोय में एंटी एलर्जिक गुण होने के कारण ये खांसी से जल्दी आराम दिलाती है। खांसी दूर करने के लिए गिलोय के काढ़े का सेवन करें। इसमें खांसी से आराम पाने के लिए गिलोय का काढ़ा बनाकर शहद के साथ इसका सेवन करें। इसे दिन में 2 बार खाने के बाद लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। दोस्तों, बुखार में गिलोय या गुड़ची में ऐसे एंटीपायरेटिक गुण होते हैं जो पुराने से पुराने बुखार को भी ठीक कर देती है। इसी वजह से मलेरिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसे गंभीर रोगों में होने वाले बुखार से आराम दिलाने के लिए गिलोय के सेवन की सलाह भी दी जाती है। इसमें बुखार से आराम पाने के लिए गिलोय घनवटी लें, अर्थात टैबलेट 1 से 2 टैबलेट पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के बाद ले सकते हैं। दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाने में भी ये बहुत सहायक है। गिलोय सत्व या गिलोय जूस का नियमित सेवन शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ता है, जिससे सर्दी जुकाम समेत कई तरह के संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। इसमें सेवन करने की विधि है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिन में 2 बार 2 से 3 चम्मच अर्थात 10 से 15 ml गिलोय जूस का सेवन करें। दोस्तों, पीलिया में गिलोय स्वय रस के अलावा आप पीलिया से निजात पाने के लिए गिलोय सत्व का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1 से 2 चुटकी गिलोय सत्व को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार नाश्ते या कुछ खाने के बाद ले सकते हैं। एनीमिया जैसे रोगों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे शरीर में खून की कमी होने से कई तरह के रोग होने लगते हैं, जिनमें एनीमिया सबसे प्रमुख है। आमतौर पर महिलाएं एनीमिया से ज़्यादा पीड़ित रहती हैं। एनीमिया से पीड़ित महिलाओं के लिए गिलोय का रस काफ़ी फायदेमंद है। गिलोय का रस का सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करती है और इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाती है। इसमें 2 से 3 चम्मच अर्थात 10 से 15 ml गिलोय जूस को शहद या पानी के साथ दिन में 2 बार खाने से पहले लें। दोस्तों, गिलोय त्वचा संबंधी रोगों और एलर्जी को दूर करने में भी सहायक है। आर्टिकेरिया में त्वचा पर होने वाले चकत्ते हों या चेहरे पर निकलने वाले कील मुहासे, गिलोय इन सब को ठीक करने में मदद करती है। इसमें त्वचा संबंधी समस्याओं से आराम पाने के लिए गुड़ुची के तने का पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को सीधे प्रभावित हिस्से पर लगाएं। ये पेस्ट त्वचा और मौजूद चकत्ते, कील मुहासे आदि को दूर करने में 100% सहायक है। गठिया रोग में गिलोय में एंटी ऑर्थराइट्स गुण होते हैं। इन गुणों के कारण गिलोय गठिया से आराम दिलाने में कारगर होती है। खास तौर पर जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, उनके लिए गिलोय का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद रहता है। इसमें 10 से 15 ml गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। इसके अलावा अगर आप काढ़े का सेवन कर रहे हैं तो गिलोय का काढ़ा बनाकर उसमें शहद मिलाएं और दिन में 2 बार खाने के बाद इसका सेवन करें। तो अस्थमा में गिलोय या गुड़ची कफ को नियंत्रित करती है, साथ ही साथ इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, जिससे अस्थमा और खांसी जैसे रोगों से बचाव होता है और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। इसमें अस्थमा से बचाव के लिए गिलोय चूर्ण में मुलेठी चूर्ण मिलाकर शहद के साथ दिन में 2 बार इसका सेवन करें। यह मिश्रण सांसों से जुड़ी अन्य समस्याओं से आराम दिलाने में बहुत ज़्यादा कारगर है। दोस्तों, अधिक शराब का सेवन लीवर को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में गुड़ुची सत्व या गिलोय सत्व का सेवन लीवर के लिए टॉनिक की तरह काम करती है। यह खून को साफ करती है और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का स्तर बढ़ाती है। इस तरह यह लीवर के कार्यभार को कम करती है और लीवर को स्वस्थ रखती है। गिलोय के नियमित सेवन से लीवर संबंधी गंभीर रोगों से बचाव होता है। इसमें तरीके के लिए यूज़ करें, 1 से 2 चुटकी गिलोय सत्व को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, गिलोय के फायदे सुनकर अगर आपको लगता है कि गिलोय से सिर्फ लाभ ही लाभ है तो ऐसा नहीं है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में गिलोय का सेवन करते हैं तो आपको गिलोय के नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि गिलोय के नुकसान क्या है और किन परिस्थितियों में गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, गिलोय के सेवन से शरीर की इम्यूनिटी पावर मजबूत तो होती है, लेकिन कई बार इम्यूनिटी के अधिक सक्रिय होने की वजह से ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या रूमेटाइड आर्थराइट्स आदि से पीड़ित मरीजों को गिलोय से परहेज की सलाह दी जाती है। दूसरा, जो लोग पहले से ही निम्न रक्तचाप अर्थात लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन्हें गिलोय के सेवन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि गिलोय भी ब्लड प्रेशर को कम करती है। इससे मरीज की स्थिति बिगड़ सकती है। इसी तरह किसी सर्जरी से पहले भी गिलोय का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को कम करती है, जिससे सर्जरी के दौरान मुश्किलें बढ़ सकती है। और तीसरा दोस्तों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी गिलोय से परहेज करने की सलाह दी जाती है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान गिलोय के नुकसान के प्रमाण मौजूद नहीं है, फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह लिए गर्भावस्था में गिलोय का सेवन ना करें। अब आप गिलोय के फायदे और नुकसान से भलीभांति परिचित हो चुके हैं, इसलिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से गिलोय का नियमित सेवन शुरू कर दें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गिलोय जूस या गिलोय सत्व का हमेशा सीमित मात्रा में ही सेवन करें। हालांकि गिलोय के नुकसान बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी तरह की समस्या होती है तो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर सूचित करें। तो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसे लगे? वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट द्वारा ज़रूर पूछें। मैं जल्द ही रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।